मैंने मैंने पहले ही बोला था कि मैंने कल की प्रेडिक्शन कर दी थी कि चाहे 217 बने, चाहे 220 बने, चाहे 250 बने, कितना भी बने, रन आराम से चीज हो जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी आपको ये जो उजेला जो है ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी लगभग 4 बजा हुआ है, 3:58 हुआ है, 3:00, अभी 4 भी नहीं बजा, सोच लो ये टाइम है। और मैं वो इंसान हूँ जो 12-1 बजे उठता हूँ यार, और आज अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि मैं 2:30-3 बजे के आसपास उठ गया था, उठ गया, रेडी हो गया, नहा लिया। ये रहा लुक, एक थोड़ा आज थोड़ा सा फॉर्मल लुक है, क्योंकि यार आज है एग्ज़ाम, आईआईटी का एग्ज़ाम है, काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम है। आईआईटी का एग्ज़ाम तो आप लोग जानते होंगे यार, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा प्रेशर है। प्रेशर थोड़ा सा दूर करने के लिए यार काफ़ी लंबी लंबी भी सांसें ली हैं, कि यार इतना बड़ा एग्ज़ाम करवाने के ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो आज वो भी करवा लेते हैं। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में होना चाहिए, तो आज वो भी एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। और अभी चलते हैं, आज ज़्यादा लंबा व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 3-3 घंटे की शिफ्ट हैं, मतलब एक और शिफ्ट है, फिर एक बार दोपहर को शिफ्ट है, फिर शाम को, सुबह मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में एक शिफ्ट स्टार्ट है, वो इवनिंग तक चलेगी। तो ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं होगा, आज एक ही दो शॉट में ले पाऊँगा, फ़ोन से वहाँ पर सबमिट कर दूँगा, उसके बाद ये वीडियो जो है मैं कल अटैच करता हूँ। और आज का मतलब सुबह 4 बजे का लुक जो है, जो काफ़ी वेदर काफ़ी अच्छा है, चिड़िया वगैरह भी सिर्फ जग रही हैं, और वरना ये इतना कुत्ते बुत्ते भौंकते हैं, ये सब सोने लगे हैं कलयुग में, कोई इतना नहीं है, सब घर की रखवाली कम करते हैं, टहलते घूमते ज़्यादा हैं। तो अभी मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर आपको कोई नहीं दिखेगा, दूर दूर तक तो बंदा कोई दिखेगा ही नहीं। वो देखो पूरा लग रहा है कोई साल 2-3 साल से कोई आया नहीं, देखो वहाँ पर आप लोग, कोई एक चू तक नहीं दिखेगा। लापरवाही एक इतनी पुरानी आदत है, उसी जगह पे जाके जहाँ पे हर बार भूलता हूँ, लगभग 4-5 किलोमीटर आगे चला गया, फिर एक आधा घंटे बाद आया हूँ फिर से, ये बेल बजा रहा। तो अभी क्या हुआ कि आईडी भूल गया, आईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट था लाना, अब मैं अपनी आईडी भूल गया यार, ना पैसे वाली वॉलेट रखी ना आईडी रखी, अब वो फिर से लेने जा रहा हूँ, आया हूँ यार, बड़ा ख़राब लगता है। आगे पड़े पास मैं आप लोगों को एक टैलेंट दिखाता हूँ, मतलब कि एक फेरी वाला अगर इसे नौकरी रखी जाए तो काफ़ी अच्छा नौकरी कर सकता है। कैसे मतलब कि अगर फेरी लगाने जाओ तो कैसे कैसे बुलाओ, बहुत अच्छी गुस्सा है, पता नहीं आ रहा है। नमस्ते, फाइनली काम खत्म, पैसा हजम, काफ़ी खुशी हो रही है एग्ज़ाम ख़त्म होने की। 3-3 घंटे की दो शिफ्ट, और किसी से बात नहीं करना, किसी को देखना नहीं, भागना दौड़ना, फ़ोन भी आ रहा किसी का। मैंने मैंने पहले ही बोला था कि मैंने कल की प्रेडिक्शन कर दी थी कि चाहे 217 बने, चाहे 220 बने, चाहे 250 बने, कितना भी बने, रन आराम से चीज़ हो जाएगा। वही हो रहा, आज 8 गेंद पे 8 रन आ गया है। राहुल तिवतिया इतना मारा एक ओवर में, कॉटरेल के 5 छक्के यार, मतलब कि इतना तो पक्का हो गया कि अब कॉटरेल अपनी ज़िंदगी में सेल्यूट तिवतिया के सामने तो कभी नहीं करेगा। 8 गेंद पे 8 रन चाहिए, और समी है सामने स्ट्राइक पे, अर्चर आया, अर्चर भी लगातार 2 गेंद पे 2 छक्के, भाई ये दुनिया पित्तल दी। अब क्या होगा इस गेंद पे यार, बहुत एक्साइटेड हूँ, हर बॉल की कमेंट्री करूँगा। ये फोन भी आ रहा लगातार, देखो तो पागल हो गए। 8 पे 8 8 पे 8 8 पे 8, ये भी आउट, आउट छक्का ऊपर, भाई 7 पे 2। अबे मेरी प्रेडिक्शन इतनी बड़ी प्रेडिक्शन सही हो गई, इतिहास गवाह भाई, 217 चेज हो गया। मैंने पहले बोला था ना जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ ही जीतेगी, और किसी बस की बात ही नहीं थी। अरे भाई, अबे भाई यार ऐसी प्रेडिक्शन सही होंगी ना तो मुझे कोई गॉड टैलेंट में जाना चाहिए भाई। भाई एक तो बात पक्की है, तिवतिया को ग्रैंड सैल्यूट मेरी तरफ से भाई। एक मतलब एक टाइम था मैंने देखा था जब 20 गेंद पे 8 या 9 रन थे इसके, तिवतिया के 20 गेंद पे 8 या 9 रन थे, 7 या 8 रन इसी तरह कुछ थे। उसके बाद अब 11 गेंद में 50 रन 40 रन बना देते हो भाई, 11 गेंद पे 40 रन, हर गेंद पे चौका। क्या क्वार्टरल अपनी जिंदगी में क्या कभी क्वार्टरल ने सोचा होगा यार कि अरे यार क्वार्टरल कभी अपनी जिंदगी में तिवतिया नाम नहीं भूलेंगे।
दोस्तों आज बिल्कुल 18-19 घंटे की नींद लेने के बाद अभी आधे घंटे पहले उठा हूँ, लेकिन अभी भी हल्की हल्की सुस्ती लग रही है। और टाइम उठने का मैं अगर आप लोग को दिखा दूँ, अर्ली इवनिंग को उठा हूँ, मतलब कि यार 5 बजने में 20 मिनट बचा हुआ है। साले तेरी ऐसी की तैसी मारूँ, काफ़ी फ्रेश लग रहा है बॉडी। मैं यार खुशी हो गई बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था RR जीतेगी, RR चाहे जितना बना ले RR चेस कर देगी बहुत ही आराम से। यार संजू सैमसन जिस तरह संजू सैमसन छक्के मार रहे थे, संजू सैमसन के छक्कों में तो लग भी नहीं रहा था कि यार उसे मेहनत लग रही है। उसे तो ऐसा लग रहा था यार बउआ आज किस सपोर्टर में, बउआ कल RR के सपोर्ट में था, आज बउआ कौन सी टीम को सपोर्ट कर, है तो क्वेश्चन तो पूरा हो जाने। मुंबई इंडियंस में आज कौन मारेगा इसको? रोजाना इस रोहित ही मारता, रोहित के अलावा कोई मार पाएगा? मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस में अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो मुंबई इंडियंस मुंडे वो कैप्टन बनाओ स्काई को, और वाइस कैप्टन बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो भी मुझे प्रेडिक्शन पता है वाइस कैप्टन कौन चलेगा। स्काई को कैप्टन बनाना, स्काई बहुत मारेगा भाई सूर्य कुमार यादव। तो जल्दी से इस वीडियो को रेंडरिंग पे लगा देता हूँ, अपलोड करता हूँ आज का मैच। सेकंड मैच जो करेगी बैट करेगी, मतलब कि RCB अगर सेकंड बैट करती है तो 200 का टारगेट बहुत ही ईजिली चेस कर लेगी। और अगर अगर आप लोग सुनने रहना, अगर RCB सेकंड बैट करती है और 120 से कम रन बनते हैं, 120 से कम रन बनते हैं, 150 से भी कम रन बनते हैं, तो RCB उसे चेज नहीं कर पाएगी। 150 से कम रन बने तो RCB चेज नहीं कर पाएगी, 150 के ऊपर रन बनते हैं तो RCB बहुत ही इजीली चेज कर लेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप लोग देखिएगा। आज अगर आप ड्रीम 11 टीम बना रहे हो तो सूर्य कुमार यादव को आप लोग कैप्टन बनाना, कैप्टन सूर्य कुमार यादव आज चलेगा, वो बंदा 100% चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यार प्रेडिक्शन आज मैं वीडियो बनाने का कोई मैं मोटिव नहीं था आज, बिल्कुल भी मन नहीं रहा था, मन नहीं था क्योंकि 5 बजे उठाऊँ, इवनिंग में उठाऊँ तो इवनिंग में मन नहीं होता ये सब बनाने का, वीडियो वगैरह बनाने का। तो आज मैंने क्या सोचा है कि यार आप लोग को बता दूं यार अच्छे से प्रेडिक्शन बनाना, क्योंकि यार आप लोग भरोसे में बैठे हो कि यार प्रेडिक्शन मैंने लास्ट वाली बताई थी बहुत ही टफ प्रेडिक्शन, ऐसी प्रेडिक्शन शायद यूट्यूब के वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा प्रेडिक्शन किसी ने नहीं बताया। मैंने पहले बोल दिया था 200 के ऊपर टारगेट बनेगा, RR इजिली से चेस कर देगा। तो ये मत सोचना कि मेरे RR वाले मुझसे मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ 9 में से 7 मैच में से मेरे एकदम राइट गए हैं, 2 मैच गड़बड़ हो गए, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कोई भी इंसान, मैं भी भगवान नहीं हूँ, जय इंसान हूँ, जो बोलता हूँ यार एकदम राइट नहीं होता है, कुछ हल्का फुल्का गलती हो जी, लेकिन मेरे 70% अभी तक प्रेडिक्शन सही गए हैं, तो उसके लिए परेशान ना हो आप लोग। गेम मेरे साथ अगर आप लोग बेट लगाते हो, बेट वगैरह लगाते हो, मैं बेट कैसी लगाता हूँ, मैं भी बेट लगाता हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बेट नहीं लगाता, मैं बेट लगाता हूँ यार समोसों का। मैंने मेरा अपने फ्रेंड से बोला, मैंने कहा भैया यार आज RR जीतेगी, तो वो बोला कि मैं पंजाब जीतेगी, मैंने कहा चलो ठीक है बेट लगा लेते हैं समोसे खिलाना। तो ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी गैम्बलिंग नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग खुद इसमें इंटरेस्ट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बस कोई सट्टा वगैरह सट्टा बाजार में आप लोग नहीं कूदिए, अपने दोस्तों के साथ में बस यही नॉर्मल सा प्रोसेस खेलिए अच्छा सा, कि यार भाई आज तो भाई ये जीतेगी, आज भाई चल भाई ये खिला लेते हैं, आज भाई तेरे मेरे हो गए भाई, आज तू समोसा खिलाएगा भाई, आज तू पिज्ज़ा खिलाएगा आज, मैं तो ऐसा कैसे करो। और मैं प्रेडिक्शन बताता हूँ, उसका कोई भी ऐसा गलत रीज़न नहीं है आप लोगों को बताने का, मैं सपोर्टर्स को बता रहा हूँ कि प्रेडिक्शन है ये। आप लोग अपने दोस्तों के साथ खाना पीने की ये सब चीज़ें बेट लगा सकते हो, इससे तक कुछ नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा गलत सोचने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेडिक्शन बता रहा हूँ जैसा एकदम राइट जा रहा है। तो आज 7 बजने से पहले मैं वीडियो इस वीडियो को रेंडर करके आप लोग को दिखाना है, अपलोड कर देना है, अदरवाइज नहीं तो आप लोग के पास वीडियो नहीं पहुँचेगा, वीडियो नहीं पहुँचेगा तो यार फिर आप लोग दुखी हो जाओगे कि वीडियो नहीं पहुँचा, फिर आप लोग बेट कैसे लगोगे, प्रेडिक्शन जैसा भी बेट लगो। लेकिन मेरा मोटिव, मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ इसमें ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से कि यार आप लोग ये सब गैम्बलिंग करो, ये सब कुछ खेलो, ये सब चीज़ें मैं मना कर रहा हूँ, आप लोग ये सब कभी सपोर्ट मत करना। ड्रीम 11 अगर आप लोग खेलते हो, ड्रीम 11 टीम में मैं बता दूंगा स्काई को कैप्टन बनाना आप लोग, स्काई मारेगा आज पक्का 100%। और जो आप ज़्यादा इससे ज़्यादा बताने के लायक कुछ है नहीं, क्योंकि जितना आसान उससे मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज के साथ इसी वीडियो को जल्दी से बंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो रेंडर पे लगा करके तुरंत पोस्ट कर दूँ, अपलोड कर दूँ, आप लोग के पास पहुँच जाए वीडियो, तो आप लोग प्रेडिक्शन भी देख सको। आज की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा था यार, मैं जब कल रात में मैच चल रहा था इतना एक्साइटेड था, देख देखते कांप रहा था यार भाई RR जिता दो, RR जिता दो, लेकिन वो राहुल तेवतिया के 1 ओवर में 5 छक्के रहे थे अपनी ना, इतना तो याद है कोटरल अपनी ज़िंदगी में एक नाम नहीं भूलेगा, तेवतिया जो इंसान स्टार्टिंग में मैंने बोला हम सब लोग पूरी दुनिया के मना रही थी आउट हो जाए, हेड विकेट कर दे किसी तरह वरना ये मैच हरा देगा, लेकिन भाई कॉटरेल का वो ओवर, अगर कॉटरेल चाहता तो मुझे तो कुछ कुछ फिक्सिंग भी लगने लगती है, क्योंकि कॉटरेल जिस तरह खड़े होकर ज़्यादा रनअप नहीं ले रहा था, आराम से खड़े खड़े होकर के बॉलिंग करा रहा था, मुझे कुछ कुछ फिक्सिंग इस मैच में लगी ऐसा, क्योंकि कॉटरेल जैसे बॉलर को अगर 5 छक्के तेवतिया मार देते हैं तो थोड़ा सा फिक्सिंग का रूप लगता है, क्योंकि और कॉटरेल आराम से बाउंसर मार सकते हैं, यार्कर मार सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने पूरे ओवर में 6 की 6 पे
ना ही आर्कर ना ही बाउंसर, सब गुड लेंथ की बॉल पे एकदम बल्ले पे दे रहा था, तो ऐसा कोई मैच हल्का सा हल्का लगने लगता है। दोस्तों आज के साथ इसी वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।